हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एडेनियम की प्रूनिंग कैसे करें और किस चीज से करें, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे। इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन दूंगा एडेनियम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर्दियों के बाद में डोरमोसी से निकलते हैं एडेनियम, और इनकी कुछ लीव्स तो होती नहीं है, और ये जो स्टेम होती है उनका भी शेप देखिए कैसा हो जाता है, तो ये देखने में ऑड लगते हैं, इसलिए हम लोग ब्रांच की प्रूनिंग कर देते हैं इनकी। और एक तरीका ये है कि इसको बुशी करने के लिए इसकी प्रूनिंग की जाती है, इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए प्रूनिंग की जाती है, इसका कॉर्टेक्स हैवी करने के लिए इसकी प्रूनिंग की जाती है, इसकी ऊंचाई ज्यादा लंबी ना हो इसे छोटा रखने के लिए प्रूनिंग की जाती है। तो इसके लिए मैं अपना एक शार्प सीजर लूंगा। आपके पास अगर बिल्कुल शार्प सीजर ना हो तो बिल्कुल शार्प ब्लेड ले, क्योंकि अगर शार्प कट नहीं लगेगा तो वहां से फंगस आ जाएगी या फिर वहां से कोई स्क्रैच आ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज यूज करें तो शार्प यूज करें। ये मैंने पास शार्प सीजर थी तो मैंने इससे कट किया, देखिए कितना अच्छा कट लगा है। नहीं तो नटराज का मैंने जो ब्लेड दिखाया था आपको, जो स्टेशनरी पे मिल जाएगा, उसे यूज करें तो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं इसे कट करूंगा इस सारी ब्रांच को, और उसमें भी बिल्कुल शार्प कट लगाऊंगा। अगर आपकी सीजर से शार्प कट नहीं लग रहा है, कुछ बैंड हो रहा है या फिर दब रही है आपकी स्टेम, तो मत करिए कट, क्योंकि वहां से फंगस आ सकता है। फंगस क्या, वहां से थोड़ी स्टेम खराब हो सकती है या फिर कोई बीमारी आ सकती है। बेटर रहता है कि शार्प कट ही लगाए, वैसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती पर खराब होने के चांसेस रहते हैं। ये इतनी मैंने प्रूनिंग कर दी अपने सारे एडेनियम की। अभी मेरी छत पर थोड़ा काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो एडेनियम इधर उधर हो रहे हैं थोड़े बहुत, कभी इधर रख देता हूँ कभी उधर रख देता हूँ। तो मैंने अभी देखिए ये कट कर दिया, ये सारे मैंने थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दी इन सभी की, ज्यादा तो नहीं किए पर थोड़ी थोड़ी कर दी है कि ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो जाए। और कुछ अरेबिकम्स है, कैक्टस है, ज्यादा कलेक्शन नहीं है अभी, आधा सेकंड छत पे मतलब दूसरी वाली छत पे है और थोड़ा इधर ही है। और एडेनियम्स कुछ नए भी आने वाले हैं मेरे पास। प्रूनिंग के बाद 10 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। और कुछ मैंने पीछे वो देखिए सीडलिंग भी कर रखी है एडेनियम की, कोकोपीट में ये जो फ्लावरिंग होने वाली थी हो गई, और नीचे से देखिए नए फ्लावर्स भी आ गए इसमें। मैंने इसमें ग्राफ्टिंग भी करने की सोची थी पर की नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास और प्लांट्स हैं उनमें ग्राफ्टिंग करूंगा, मल्टी ग्राफ्ट करूंगा एक ही प्लांट पर। ये मेरा बड़ा एडेनियम है और सब छोटे हैं, और मेरे पास बड़े अरैबिकम भी हैं, उन पर मैं थोड़ा डिफरेंट अरैबिकम ग्राफ्ट करूंगा फ्लावरिंग के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।